नमस्ते किसान भाइयों, खानदेश गोट फार्म अपने यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि भाई क्रॉस ब्रीड करने के बाद या नस्ल को जब भी हम लोग स्मॉल ब्रीड या अनस्क्रिप्टेड गोट ब्रीड्स को नस्ल को जब इम्प्रूव करते हैं बड़े ब्रीड के बकरों के साथ में, तो उनके जो ऑफस्प्रिंग रहेंगे, जो बच्चे रहेंगे, उनमें उनकी जो अगली इम्प्रूव्ड नस्ल की परसेंटेज कितना रहेगा, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको कैसे समझते हैं, कैसे निकालते हैं, ये देखेंगे इसमें। समझ लो किसान भाइयों, अगर अपन सिरोही बकरा लेते हैं 100% वाला और एक अनस्क्रिप्टेड ग्रोड ब्रीड लेते हैं, तो इन दोनों के क्रॉस होने के बाद में जो भी बच्चा जन्म लेगा वो आधे जीन्स लेगा सिरोही के और आधे लेगा अनस्क्रिप्टेड ग्रोड ब्रीड्स के। हम उनको नाम देते हैं, जैसे भी जो भी बड़ी नस्ल का बकरा रहेगा उन्हीं के नाम से परसेंटेज आगे काउंट किया जाता है या उसी का नाम दिया जाता है। तो जो बच्चा रहेगा इसको सिर्फ अपन बोलेंगे सिरोही 50% कर दिए, जिसमें के 100% सिरोही बाप था, जो अनस्क्रिप्टेड माँ थी गोट ब्रीड अनस्क्रिप्टेड। तो जो परसेंटेज लेगा आधे परसेंटेज बाप से लेगा, आधे परसेंटेज माँ से लेगा, 50% सिरोही के लिए, 50% अनस्क्रिप्टेड गोट ब्रीड्स के लिए। तो सिरोही के कितने उसके अंदर, तो 50%, इसलिए इसको बोलेंगे सिरोही 50% का बकरा है। अभी ये जो सिरोही 50% की बकरी रहेगी, इस बकरी को अगर हम 100% दूसरा नया वाला अलग सा, ये बकरा नहीं चलेगा क्योंकि उसका फादर है, उसका बाप है भी, तो एक नया अलग से इसके रिलेशन में नहीं, ऐसा अगर सिरोही लेते 100% सिरोही और ये जो फीमेल है सिरोही की मादा है 50% वाली, ये 50% वाली मादा लेते हैं, इन दोनों का मेटिंग कराते हैं, इनका क्रॉस कराते हैं। तो क्रॉस करने के बाद में 50% तो ये बाप से ले लेगा जीन्स, और जो 50% जीन्स आने वाले है फीमेल से वो 50% आएंगे, क्योंकि 50% सिरोही का है इसमें, तो 50% का आधा हो गया 25%, और जो 50% उसके अनस्क्रिप्टेड गोट ब्रीड्स थे उसके जीन्स थे उसका आधा हो गया 25%, ये दोनों आधा आधा आएंगे। तो अभी सिरोही का कितना हो गया, 50% बाप से लिए जीन्स, माँ से 25% लिए, तो ये हो गया 75%। बहुत सारे किसान भाई ये सोचते हैं कि अगर पहली बार हम लोग मीटिंग करने के बाद या क्रॉस करते हैं क्रॉस ब्रीड के लिए कि भाई 50% फर्स्ट टाइम आएगा तो सेकंड टाइम 100% हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है किसान भाइयों। फर्स्ट टाइम अगर जो मीटिंग होगी वो 50% में होगी, पर सेकंड टाइम जो मीटिंग के बाद बच्चा जन्म लेगा उसका परसेंटेज 75% रहेगा। उसके बाद में अगर हम और एक नया बकरा लेते हैं, इन दोनों बकरों से कोई रिलेशन नहीं है, नया सिरोही लिया 100% का और जो फीमेल है 75% की, ये फीमेल का क्रॉस किया आया इस 100% के सिरोही से, तो 50% जीन्स तो बाप से ले लेगा सीधे सीधे, और 75% जीन्स जो आने वाले हैं वो अभी 75% जो फीमेल है मादा है उनमें से जो जीन्स लेगा, तो सीधी सी बात है जो 75 है जीन्स सिरोही के इस मादा के अंदर, तो 75 के आधे जीन्स वो बच्चों को देगा, तो 75 के आधा होगा 37.5% वो सिरोही के जीन्स लेगा, और जो 25% जीन्स थी इसके अंदर माँ के अनस्क्रिप्टेड गोट ब्रीड्स के, उनमें से 12.5% जीन्स लेगा है। तो ये 50% प्लस 75.5% ये दोनों मिला के सिरोही के जीन्स हो गए थर्ड मेटिंग में 87.5%। तो ये अभी जो सिरोही का मादा रहे या नर रहे इसका जो परसेंटेज आएगा ये 87.5% आएगा। अभी ये सिरोही मादा 87.5% की 100% और एक अलग सा दूसरा नया वाले नर के साथ मेटिंग करेगी, तो इसमें 50% जीन्स जो आएंगे ये बाप से आएंगे सीधे, और 87.5% के जो 50% आएगा, मतलब आधे जीन्स वो बच्चों को देने वाला है, तो 87.5 में से आधे आएंगे 43.75, और वो जो अनस्क्रिप्टेड गोट ब्रीड के जो जीन्स बचेंगे वो रहेंगे 6.25। तो ये 50% प्लस 43.7% ये मिला के हो गए 93.75% सिरोही बन जाएगा फोर्थ मीटिंग में। चार दफा मीटिंग तक हमने देखा है कि सिरोही का 100% का अगर मेल लिया जाए 87.5% सिरोही उससे बाद बनता है 93.75। अगर फिफ्थ टाइम में जब हम लोग इस 93.75% सिरोही का 100% सिरोही मेल के साथ मेटिंग कराते हैं, तो 50% बाप से आ जाएगा जीन्स, और 93.75 मतलब 46.87% सिरोही के जीन्स आएंगे,
और 3.14% अनस्क्रिप्टेड गोट ब्रीड्स जिसके साथ हमने मीटिंग स्टार्ट किया था उसके जीन्स आएंगे। ये 50% बाप के और 46.87% सिरोई के मिलके 96.87% का सिरोई ये पांचवे मेटिंग में फिफ्थ टाइम जब ब्रीडिंग कराएंगे तब मिल जाएंगे। ये प्योर ब्रीड सिरोई मतलब इसमें परसेंट आएगा 96.87%। अभी 96.87% का जो सिरोई है इसका 100% प्योर लाइन सिरोई ब्रीड से जब मेटिंग कराते हैं तो 50% बाप से जीन्स लेगा और 96.87 के आधे मतलब 48.43% जीन्स माँ से लेगा ये सिरोई के, और जो रहेगे आधे जीन्स 50% में वो 1.57% अनस्क्रिप्टेड गोट ब्रीड्स के जीन्स लेगा, और इसके साथ में ये 50% प्लस 48.43% इज इक्वल टू अगेन 98.43%। ये 98.43% का सिरोई बन जाएगा सिक्स मीटिंग में, और सेवंथ मीटिंग में जब ये 98.43% का मादा 100% प्योर लाइन मेल के साथ मेटिंग करेगी तो 50% आ जाएगा बाप से, 49.21% आ जाएगा माँ से, ये दोनों का मिला के होगा 99.21%। इनको अभी प्योर लाइन सिरोई ब्रीड्स कहते हैं। तो ये कैलकुलेशन अगर समझ ले तो किसान भाई जब भी हेवी बड़े ब्रीड्स में क्रॉस ब्रीड हुई हुई फीमेल्स या मेल खरीदते हैं तो आपको उनका रिकॉर्ड देख के या बच्चों को देख के रिकॉर्ड देख के मोस्टली जानवरों को देख के अपन परसेंटेज तो नहीं बता सकते, पर उन्होंने जो रिकॉर्ड मेंटेन किया होगा वो देख के आप बता सकते हैं, या सामने वाला जो कह रहा है उसको जांच कर सकते हैं कि भाई ये सच में कितने परसेंट का जानवर है। तो ये सभी कैलकुलेशन किसान भाइयों के लिए इन फ्यूचर में बहुत ही लाभदायी रहने वाले हैं, तो ये समझ लेना जरूरी है। इन कैलकुलेशन के अंदर कोई भी बात आपको ना समझे तो मुझे आप वैसे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से इनको समझाऊंगा। धन्यवाद।